में लगा महाराज, अगर अमर नहीं कर सकते हो तो ना ही तो दिन में मरूं, ना ही तो रात्रि में मरूं, ना ही अस्त्र से मरूं, ना ही शस्त्र से मरूं महाराज, ना ही किसी पशु से मरूं। आज हिरण्यकश्यप को वरदान दिया है। इधर कयादु जो थी वो गर्भवती थी, इंद्र को जब पता चला है कि कयादु इस समय गर्भवती है और गर्भवती अगर इसके उदर से कोई राक्षस पैदा हो गया तो कहीं हिरण्यकश्यप जैसा ना हो, तो सभी स्त्रियों को बंदी बना करके और एक जंगल में जाके छोड़ दिया। वहां पर देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे, अरे इंद्र तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें नहीं पता है जिस कयादु के उधर से तुम एक राक्षस समझ रहे हो ना, वो राक्षस नहीं बल्कि एक परम भक्त पैदा होगा। इंद्र कहने लगा, महाराज मुझे विश्वास कैसे हो, मैं सभी स्त्रियों को छोड़ सकते हैं लेकिन रानी कयादु को नहीं छोड़ सकते हैं। जब ये बात कही है तो देव ऋषि नारद कहने लगे, इसके लिए मैं तुम्हें विश्वास देते हैं कि रानी कयादु के उदर से कोई राक्षस नहीं बल्कि एक परम भक्त पैदा होगा। आज रानी कयादु को भी वहां से छुड़ाया है देव ऋषि नारद ने। इधर जब हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने अपने नगर में आकर के देखा तो नगर में आकर के आदेश दिया, अरे मंत्री नगर में सब ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल कोई दुखी तो नहीं है नगर में महाराज? हाँ कोई दुखी ना है, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी ना, लेकिन सामने बाबा बैठे हुए दुखी हैं, क्योंकि हमें दुखी लोग पसंद भी नहीं है। अबे जासे दुखी हैं कि उनके मुंह में दांत ना आ रहे हैं। ऐसा करो उन बाबा को ले जाके और उनका अच्छा मटर कदने, क्योंकि हमें दुखी देखना पसंद नहीं है ना, इसलिए एक जने और दुखी है। कौन? जो कथा कराए रहे उनकी भैया एक जने पतरी हमारी तरह। हाँ बे बहाजत बादे इतने परेशान है बहुत ज्यादा परेशान। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बोल रहे जो भी दुखी हो उसे ले जाके एक अम्मा और परेशान भी जा से परेशान है, जाके अरी लला तुम्हें ना मालूम मैं जा से परेशान है, कल हमारा बकट्टा जीना बांधी लेके मरे गो। और सुनो आज से इस नगर में पूजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ना महाराज, क्योंकि आज से यहाँ के भगवान कौन है? आप हो? हाँ हमें हम ना कह रहे हमें न तुम हमें ही मानने लगे, हिरण्यकश्यप कह रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मंत्री बोलो महाराज, आज से इस नगर में हवन यज्ञ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। और सुनो जितने भी मंदिर है ना उन मंदिरों को तोड़वा के हमारी मूर्ति की स्थापना करवाओ। ठीक है बिल्कुल महाराज, जैसे जी महात्मा इनको क्या करें, इनका गंजा करवा दो, इनका गंजा करवा दे, बिल्कुल क्योंकि जटा धारी बिल्कुल पसंद नहीं महाराज, हमने कह रहे ऐसो है बचनो चाहो तो मार्केट में आज जाओ और जिनसे पेंट खरीदो आप। महाराज जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, हम आपसे नहीं कह रहे क्योंकि एक बाबा जी हते इधर फरकावा साइड तो उनकी जटा आती बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उनने ही कथा करवाई, उनकी इतनी बड़ी बड़ी जटा आती तो हम कथा कह रहे तलबे आए गए सात्री जी, मैंने कहा हां का होएगो होई का होएगो, हमने बड़ी मुश्किल से इतने बड़े बड़े कर पाए और तुम कहते कि गंजा करवाए दे, मैंने महाराज जी 4000 रुपया किलो बेचते हैं तो महाराज जी आपसे नहीं कह रहे। आज हिरण्यकश्यप ने सारे नगर में शोर मचा दिया है कि ना ही तो कोई यज्ञ होगा, ना ही हवन होगा, ना ही वेद पाठशाला में कोई मंत्र उच्चारण होगा। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत अत्याचार करने लगा है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो हिरण्यकश्यप के आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रह्लाद रखा गया। महाराज बड़ा सुंदर पुत्र है। धीरे धीरे जब प्रह्लाद बड़े होते हैं महाराज, और जब प्रह्लाद बड़े होते हैं तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं
तो गुरुकुल में जब पढ़ते हैं तो सबसे उत्तम रहते हैं। और फिर राजा का लड़का है, वो तो राजा का लड़का है। अगर किसी एसडीएम को लड़का हो ना, एसडीएम को, और वो अगर का स्कूल में हो तो तुम्हें सही बता रहे, झूठ ना बोल ले। अगर भाई मॉनिटर बना दो तो बाप तो बाद में एसडीएम होएगा, लल्ला पहले बन जाता है। हाँ,